हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सैगन टाइम्स में स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके भाई लक्ष्मण शेषनाग जी का अवतार है, हनुमान जी भगवान शिव का अवतार है। क्या आप जानते हैं लंका का राजा रावण किसका अवतार था? तो बने रहिए वीडियो के साथ, अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार श्री विष्णु भगवान के दर्शन को वैकुंठ आए। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय विजय था। इन द्वारपालों ने चारों ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया। इस पर इन ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया कि तुम लोग पाप योनि में जन्म लोगे। इसके बाद भगवान विष्णु आते हैं और चारों ऋषियों से जय विजय की गलती क्षमा करने और शाप मुक्त करने को कहते हैं। इस पर चारों ऋषि कहते हैं, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो इनको शाप मुक्त कर सकते हैं। इस पर श्री हरि कहते हैं, मैं आपका वचन असत्य नहीं करना चाहता। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, ये दोनों 3 जन्म लेंगे और मुझसे वैर भाव रखकर मेरा स्मरण करेंगे और मेरे द्वारा इनका अंत होने पर ये मेरी सेवा में पुनः आ जाएंगे। इसके बाद ये जय विजय कश्यप और दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान विष्णु के हाथों मारे जाते हैं। फिर यही जय विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और प्रभु श्री राम के हाथों मारे जाते हैं। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि रावण किसके अवतार थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।